आगामी दिनों में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी में सियासी घमासान मच गया है। बता दें आपको कि एक बार फिर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने सीएम वसुंधरा पर निशाना साधा है। वसुंधरा जी की यात्राएं हो रही हैं, जो बातें वो बोल रही हैं, वो रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर रही हैं, वो लोगों को आने वाले समय के लिए दोबारा झूठे वादे करने का काम कर रही हैं। हमें लगता है कि अमित शाह जी का जो भाषण था जयपुर में, उन्होंने कहा कि बीजेपी के राजस्थान के जो कार्यकर्ता आते हैं वो मुंह लटका के आते हैं, निराश होकर आते हैं, लगता सत्ता जा रही है, लेकिन बीजेपी ना तो एमएलए के नाम पर, ना वसुंधरा जी के नाम पर, लेकिन सिर्फ पार्टी के चिन्ह पर और मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मतलब प्रदेश की सरकार में उनका विश्वास बचा नहीं है, वो कुछ वक्त कह चुके हैं। हम सब लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और जो गौरव यात्रा वो निकल रही है उसका जवाब जनता दे रही है, लेकिन संकल्प यात्रा में जो भीड़ आ रही है, जो उत्साह, जो तेज, जो कार्यकर्ता में एनर्जी है और जो फीडबैक हमें मिल रहा है, उसे देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत देकर सेवा करने का मौका देगी। बीजेपी के झूठ के पुलंदा अब भर चुका है, इनके पाप का घड़ा भर चुका है, इनका जाना तय है। खैर, अब देखना होगा कि सचिन पायलट का जीत का दावा कितना सही साबित होता है। एसपी 9 न्यूज रूम से गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।